जिस तरीके से हमने जमा की मिसालें इबारती मिसालों के जरिए हल करने की कोशिश की, तफरीक की मिसालें इबारती मिसालों के जरिए हल करने की कोशिश की, आइए अब हम इसी सबक यानी नौवें सबक इबारती मिसालें जमा तफरीक की मखलूत मिसाल हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जमा के हिस्से की मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। इसका सवाल, एक लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें 17,500 और रियाजी की किताबें 13,250 हैं, तो बताइए लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं। उर्दू की किताबें 17,500, रियाजी की किताबें 13,250। अब हमें उर्दू की और रियाजी की दोनों किताबें कुल कितनी हैं मालूम करने के लिए जमा का अमल करना होगा। आइए हम जमा का अमल करते हैं। सिफर में सिफर जमा किए, जवाब आया सिफर। सिफर में पांच जमा किए, जवाब आया पांच। पांच जमा दो सात, सात जमा तीन दस, दस का सिफर हासिल का आया एक। एक जमा एक दो और एक तीन, कुल किताबें 30,750। कुल किताबें 30,750। उसी तरीके से अब हम तफरीक की मिसाल हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल है, जाफर ने एक अस्पताल को 75,000 रुपये अतिया दिया, उसमें से 47,500 रुपये की दवाएं खरीदी गई, तब बताएं अतिये की कितनी रकम बाकी रही। अतिया की गई रकम 75,000 रुपये, दवाएं खरीदी जिस रकम से वो रकम कितनी 47,500। अब हमें जो अतिया की गई रकम है उसमें से हमने दवाएं जो खरीदी हैं वो कितने रकम बचती है वो मालूम करने के लिए दवाएं खरीदी गई जो रकम है 47,500 उसमें से तफरीक करेंगे। तो आइए अब तफरीक का अमल करते हैं। सिफर में से सिफर निकालेंगे, सिफर बचेगा, फिर सिफर में से सिफर निकालेंगे, सिफर बचेगा, सिफर में से पांच निकालेंगे नहीं निकलते, बाजू से हासिल कर लेंगे बनेंगे दस। यहां से हमने एक लिया, यहां बचेगा चार, दस में से पांच निकालेंगे बचेगा पांच। अब चार में से सात निकालेंगे, चार में से सात नहीं जाते, फिर हासिल का एक लेंगे बनेंगे चौदह, यहां बचेगा छह। चौदह में से सात निकालेंगे बचेगा सात, फिर छह में से तफरीक करेंगे चार बचेंगे दो। इस तरीके से मालूम पड़ा कि बाकी बची हुई रकम 27,500 रुपये। इस तरीके की मजीद मिसालें आप अपने घर पर अपने वालदैन और सरपरस्तों की मदद से हल करने की कोशिश करते रहें।